हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम एमपी में आगे बढ़ने वाले हैं, यानी अपने सब मॉड्यूल 7 को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे वायर टर्मिनेशंस की। ठीक है, कि आखिर वायर के टर्मिनल में कौन कौन सी चीजें लगती हैं, जिसमें मेनली आपका आता है स्ट्रिपिंग करना, ठीक है, टर्मिनल लग्स लगाना, स्प्लाइसेस और कनेक्टर्स। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि आखिर ये क्या क्या चीजें होती है और इनका यूज क्यों किया जाता है। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो होता है हमारा स्ट्रिपिंग। अब स्ट्रिपिंग करने का मतलब होता है कि देखिए, आप घर में भी देखते हैं जितने भी वायर्स आपके होते हैं उन वायर्स के ऊपर इंसुलेशन लगा होता है। ठीक है, इंसुलेशन का मतलब एक ऐसा मटेरियल रबर का लगाया जाता है ताकि जो उसके अंदर का कंडक्टर है उससे इलेक्ट्रिसिटी बाहर ना निकले। इसीलिए आप देखते हैं, अगर आप लाइट है फिर भी आप किसी वायर को टच कर लेते हैं तो आपको करंट नहीं लगता है। इसका रीजन ये है क्योंकि उसके ऊपर क्या है, इंसुलेशन लगा होता है, वो इंसुलेटर का काम करता है और आपको इलेक्ट्रिसिटी से बचाता है। अब मान लीजिए उस कनेक्टर को आपको कहीं और जंक्शन बॉक्स में लगाना है या कहीं भी और कनेक्ट करना है तो उसके ऊपर से ऑब्वियस सी बात है ना, आपको वो इंसुलेशन हटाना पड़ेगा। उस इंसुलेशन को रिमूव करना ही स्ट्रिपिंग कहलाता है। ठीक है, मैं आप फिगर भी दूंगा बगल में, आप देखिएगा कि कैसे कैसे आप ये करते हैं। और इसके लिए हम करते हैं स्ट्रिपिंग टूल का यूज करते हैं, जिसमें अब एविएशन की भाषा में बात करें, घर में तो आप दांत से भी छील देते हैं या फिर हम इसके लिए प्लायर भी यूज कर लेते हैं, लेकिन एविएशन में ऐसा नहीं है क्योंकि एविएशन बहुत ज्यादा एक्यूरेसी मांगता है, इसलिए हम एविएशन में स्ट्रिपिंग टूल्स का यूज करते हैं या फिर इसी को स्ट्रिपिंग प्लायर भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, अलग अलग गेजेस के अलग अलग जो है जगह बनी होती है इंसर्ट करने के लिए। अलग अलग गेजेस का मतलब कि मोटा या पतला वायर हो सकता है, तो अलग गेजेस के वायर को हम अलग अलग जगह रख करके उसको स्प्लाइस करते हैं, वो एक इस तरह से करता है और फिर वो आपका जो ऊपर का इंसुलेशन होता है वो रिमूव हो जाता है। अब फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो बात आती है स्ट्रिप्स, यानी टर्मिनल स्ट्रिप्स क्या होते हैं। तो आपने देखा होगा कई जगह पर जब जैसे दो या चार कनेक्शन एक साथ देने होते हैं तो उसमें छोटे छोटे होल्स बने होते हैं, आप फिगर में जैसे देख रहे हैं। यहां पर हम क्या करते हैं, वायर्स को ला करके लगा देते हैं और एक साथ इसको टाइट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हम इसको यूज करते हैं ताकि हम एक साथ सारे कंडक्टर्स को ना यूज करके अलग अलग जगह पर लगाएं, ताकि इसमें आर्किंग ना हो, इसमें लूज होने का कनेक्शन का ज्यादा डर ना हो, ये सारी चीजों का जो है ध्यान यहां पर रखा जाता है। अब बात यह आती है कि ये कितना होगा और कितना बढ़िया होगा, बड़ा होगा छोटा होगा, ये डिपेंड करता है कि आप कहां पर इसको यूज कर रहे हैं। जैसे कि इसका टेम्परेचर रेटिंग कितना है, मतलब किस टेम्परेचर में से यूज करना है, इसके अंदर से कितना करंट या कितने वोल्टेज का करंट जो है पास होगा, इन चीजों पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्ट्रिपर यानी कौन सा टर्मिनल स्ट्रिप यूज करेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे टर्मिनल लग्स की तरफ। तो टर्मिनल लग वो पार्ट होता है, अब जैसा फिगर में देख रहे हैं, इसका काम होता है कि आपके कनेक्शन को किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ जोड़ना। ठीक है, जैसे आप घरों में आपके बैटरी आपने जरूर देखा होगा, तो आप देखते हैं बैटरी से जब हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट करते हैं तो बैटरी के साथ जो पार्ट हम लगाते हैं उसको बोलते हैं टर्मिनल लग, यानी कि जो टर्मिनल में लगने वाला उसका पैर है, लेग इसको आप कह सकते हैं एक हिसाब से, तो ये क्या है, टर्मिनल लग है, LUG। ठीक, इसको लगा करके हम किसी कंपोनेंट या इंस्ट्रूमेंट को पावर देते हैं। ठीक है, जो फाइनल पोजिशन होता है उसे बोलते हैं टर्मिनल लग, आप देख रहे होंगे फिगर में। अब ये भी क्या है कि इसके ये कौन सा वाला यूज करेंगे, बहुत ढेर सारे तरीके का होता है। ठीक है, कौन सा यूज करेंगे ये डिपेंड करेगा कि वहां का एनवायरमेंट कैसा है, वहां का टेम्परेचर कितना होने वाला है, वहां की करंट रेटिंग कितनी है, किस वोल्टेज का करंट उसके अंदर से जाना है, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आप कौन सा टर्मिनल लग यूज करेंगे। फिर आगे आप बढ़ते हैं तो आता है स्प्लाइसेस। अब देखिए, स्प्लाइसेस जो है ना, सबसे पहली बात तो इनको बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता। ठीक है, एयरक्राफ्ट में, ठीक, घरों में तो हम जनरली क्या करते हैं, मान लीजिए कि दो, सबसे पहले तो ये जानें कि स्प्लाइसेस का काम क्या होता है। देखिए, जब कभी दो वायर को इमरजेंसी में जोड़ना होता है तो एयरक्राफ्ट में स्प्लाइस का यूज किया जाता है। घरों में हम क्या करते हैं, कंडक्टर को बीच से काटा, दोनों तरफ से उसको स्ट्रिप किया, यानी उसके इंसुलेशन को रिमूव किया और उसको जोड़ दिया। ठीक है, और वो चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन एयरक्राफ्ट में हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब आप किसी चीज को बाहर से उसे जोड़ देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ घट जाती है, ये सारी चीजें प्रॉब्लम आती हैं जो कि हम एयरक्राफ्ट में कंपनसेट नहीं कर सकते हैं। इस कारण से वहां पर हम स्प्लाइसेस का यूज करते हैं। ध्यान ये रखिएगा, दो वायर को जोड़ने के लिए सिर्फ इमरजेंसी में ही स्प्लाइस का यूज होता है, वरना आपको पूरी वायर को चेंज करना होता है। ठीक है, और स्प्लाइसिंग करते समय कुछ बातों का जो है ध्यान रखना होता है, भले आप इमरजेंसी में कर रहे हो फिर भी वो इतना मजबूत होना चाहिए कि वो वायर के लगभग लगभग बराबर। ठीक है, और वो स्प्लाइस लगाने से उसका रेजिस्टेंस ना बढ़ जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे से थर्मोकपल वगैरह ऐसे आपके पार्ट्स होते हैं, ऐसे वायर्स होते हैं आपके एयरक्राफ्ट में लगे होते हैं जिनको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, उनके उनमें जो है रेजिस्टेंस ही बहुत ज्यादा मायने रखती है। ठीक है, अब ये भी क्या है, बहुत तरीके के हो सकते हैं भाई, छोटा वायर है यानी छोटे गेज का वायर है, पतला वायर है तो ये अलग होगा, मोटा वायर है तो अलग होगा, कौन से कंडीशन में आप यूज कर रहे हैं। मान लीजिए इंजन में कोई एक छोटा सा वायर है जिसके लिए आप स्प्लाइस यूज कर रहे हैं तो वो फायर प्रूफ होना चाहिए, उसका टेम्परेचर रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखना है कि आप जहां पर भी जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं आपको उसके बारे में नॉलेज हो कि
ये किस एनवायरमेंट में यूज होने के लिए जा रहा है, इसका करंट रेटिंग क्या है, वोल्टेज रेटिंग क्या है, टेम्परेचर कितना रहेगा, फायर से इसे बचाना है कि नहीं बचाना, वरना फायर प्रूफ स्प्लाइस भी आते हैं वो लगाए जाते हैं, ठीक है। फिर अब जब आप ये लगा देंगे ना, उसके बाद आपको कुछ बातों का ध्यान रखना, जैसे मैंने पहला बताया कि इनका स्ट्रेंथ जो है ना वो वायर के ओरिजिनल स्ट्रेंथ से कम नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, इनके वजह से रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, और किसी भी तरह से जो कंडक्टर आप जब क्या करते हैं, स्प्लाइस है, उसके एक तरफ से कंडक्टर डालते हैं, दूसरी तरफ से कंडक्टर डालते हैं और उसको स्प्लाइस कर देते हैं, उसे क्रिम्प कर देते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि जब कभी आप इसे डाल रहे हैं तो किसी भी तरह का उसमें डैमेज ना हो, किसी भी तरह से कंडक्टर बाहर ना दिख रहा हो, वरना स्प्लाइस लगाने का क्या फायदा होगा। हम जब आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ के हमें मिलता है जंक्शन बॉक्स। अब देखिए जंक्शन बॉक्स क्या है, आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि जब आपके पोल से आपके घर में लाइट आती है तो सीधे आपके किसी पंखे में या बल्ब में नहीं दिया जाता, वो एक पर्टिकुलर जगह पर जाता है जहां से अलग अलग जगहों पर उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, पूरे घर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसी तरह से एयरक्राफ्ट में भी अलग अलग पार्ट पर जंक्शन बॉक्स लगे होते हैं। इनका काम क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट होते हैं जहां पर पहले करंट आएगी यहां पर यानी जंक्शन बॉक्स में, उसके बाद यहां से डिस्ट्रीब्यूट होगी अलग अलग जगह से, ठीक है। इसी तरह से जो भी आपके वायर्स होते हैं इनका कलेक्ट करना, इनको ऑर्गेनाइज करना, ये सारा काम कहां होता है, इसी जंक्शन बॉक्स में होता है, ठीक है। यहीं से आप ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा वायर किस इंस्ट्रूमेंट के लिए गया हुआ है, ठीक है। जंक्शन बॉक्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं एप्लीकेशन के हिसाब से, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा वहां पे वायर्स वगैरह हैं, बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो बड़े यूज होते हैं, अगर थोड़ा सा करना है तो छोटे यूज होते हैं। वहां पर अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है तो उसे क्या होता है, फायर प्रूफ बनाया जाता है, ठीक है। ये सारी बातें होती हैं। जनरली फायर प्रूफ बनाने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, स्टेनलेस स्टील का जो है ये जंक्शन बॉक्स हम यूज करते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो डिफरेंट टाइप के कनेक्टर्स, ठीक है। तो आपके बुक में दो दिया हुआ है, एमएस और एएन। तो एमएस क्या होता है, मिलिट्री स्टैंडर्ड, और एएन क्या होता है, एरोनॉटिकल स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये दोनों तरीके के कनेक्टर्स हमारे एयरक्राफ्ट्स में यूज किए जाते हैं। अब ये भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई हार्नेस, कनेक्टर होता क्या है एक्चुअली पहले ये जान लीजिए। कनेक्टर का मतलब जैसे आप घरों में देखते हैं, जब चार छह कनेक्शन एक साथ जुड़ने होते हैं तो हम क्या करते हैं, टेप का यूज करते हैं ना, एक कनेक्शन लगा दिया फिर टेप लगा दिया, दो कनेक्शन लगा दिया टेप लगा दिया, चार छह दस बारह कनेक्शन। ऐसा हम एयरक्राफ्ट में नहीं कर सकते क्योंकि एयरक्राफ्ट बहुत ही तेजी से चलता है, उसमें वाइब्रेशन होते हैं, उसमें बहुत सारे शॉक्स आते हैं, डिफरेंट टाइप के फोर्सेस लगते हैं, तो ये टूटने का बहुत ज्यादा चांस होता है। और जनरली अगर ये इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कोई वायर टूट जाता है तो एयरक्राफ्ट में ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। इसी कारण से हम क्या करते हैं, कनेक्टर्स का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि चार छह वायर्स को एक साथ जोड़ना है तो उन्हें फिजिकली नहीं जोड़ते, उन्हें एक कनेक्टर में जोड़ दिया गया इधर वाले वायर को और एक कनेक्टर में इधर वाले वायर को, फिर इन दो कनेक्टर्स को आपस में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, वो कनेक्टर्स बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ही ज्यादा टाइट बंद होते हैं, उनमें जो है वाइब्रेशन वगैरह से इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, आर्किंग नहीं होती है, लूज नहीं होते हैं। इसके अलावा भी HIRF यानी कि हाई इंटेंसिटी रेडिएटेड फील्ड हो गया, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, इन सारी चीजों से भी हमारा कनेक्टर बचाता है। अगर आपको नहीं पता है कि HIRF या EMI से क्या प्रॉब्लम्स आती हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई है तो उसमें आपको आप जाकर के देखिएगा, वहां से आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो ये क्या है, इसके अंदर कनेक्टर्स जो लगाए जाते हैं ना उसके लिए स्पेशल टूल्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। बगल में फिगर आपको दिख रहा होगा, इस तरह के अलग अलग टूल्स होते हैं, तो इनको लगाने के लिए अलग टूल यूज किया जाता है और निकालने के लिए अलग टूल। इनको जनरली ऐसे ही हम मतलब इनके कलर पे ही बोल देते हैं कि ये रेड व्हाइट टूल है या फिर ब्लू व्हाइट टूल है, इस तरह से बोल देते हैं। ये भी अलग अलग कनेक्टर्स के लिए अलग अलग टूल्स आते हैं, ठीक है, और बहुत ही इजिली मतलब अवेलेबल होते हैं किसी भी जगह पर जहां पर भी ये कनेक्टर यूज होते हैं। फिर ये कनेक्टर्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, छोटे कनेक्टर्स होते हैं, बड़े कनेक्टर्स होते हैं, सर्कुलर होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि इनका एप्लीकेशन कैसा है, ठीक है। अब ध्यान ये रखना है कि जब भी आप कनेक्टर्स का यूज करते हैं ना तो कनेक्टर्स में नंबर्स लिखे होते हैं, ठीक है, और आपके पास इंजीनियरिंग ड्रॉइंग होती है जब कभी भी आप जाते हैं कनेक्टर्स को कनेक्ट करने के लिए, उसे खोलने के लिए, उसे बनाने के लिए, कोई रेक्टिफिकेशन करने के लिए, तो आपके पास इंजीनियरिंग ड्रॉइंग का एक होता है जिसमें लिखा होता है कि भाई कौन से पिन का कहां पर कनेक्शन है, ठीक है, आपको बकायदा वहां लिखेगा। अब आप पता कैसे पाएंगे, उसमें ढेर सारे पिन लगे हैं, आपको कैसे पता किस पिन की बात कर रहा है, इसलिए उसमें मार्किंग होती है, ठीक है, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स में आपके ABCD उसमें लिखा होता है और आप आसानी से उसे देख सकते हैं। खास बात ध्यान ये रखना है कि O हो गया, ठीक है, जैसे O होता है ना तो स्मॉल और कैपिटल आप आसानी से नहीं पहचान सकते हैं, J हो गया, तो इस तरह से कुछ लेटर्स वहां पर नहीं भी होते, वो भी आपको बताया जाता है कि कौन से लेटर्स में नहीं है, ठीक है, और फिर उस हिसाब से आप उनकी कंटिन्यूटी चेक करना हो गया या किसी कनेक्टर को रिप्लेस करना होगा, ये सारी चीजों का ध्यान देते हैं। कनेक्टर्स जब भी बनाए जाते हैं तो उसके एक आध चीजें और ख्याल में रखी जाती हैं। सबसे पहला होता है स्पेयर छोड़ना, स्पेयर छोड़ना मतलब डमी छोड़ना, जैसे कि मान लीजिए कि 0 से लेकर 25 कनेक्शन हैं आपके किसी कनेक्टर में, तो उसमें 2 डमी छोड़े जाते हैं यानी 2 स्पेयर छोड़ दिए जाते हैं। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए कि कहीं पर वो लगा हुआ है, एक पिन का जो स्लॉट है ना वो पूरी तरह से खराब हो चुका है, अब वहां पर पिन वर्क ही नहीं कर सकता, तो वैसे में क्या करेंगे, पूरा कनेक्टर चेंज करेंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, जब अगर 25
यानी 0 से लेकर 25 कनेक्शन हैं अगर उसमें, तो हम क्या करते हैं उसमें दो स्पेयर पार्ट्स छोड़ देते हैं, दो डमी छोड़ देते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर किसी भी तरह से इसमें प्रॉब्लम आती है तो उसका कनेक्शन हम अलग ले सके। इसी तरह से अगर वो 25 से लेकर 100 कनेक्शन वाला है तो उसमें 4 स्पेयर छोड़ा जाता है, अगर वो 100 से ज्यादा कनेक्शन का है तो उसे 6 स्पेयर उसमें छोड़ा जाता है, ताकि इन फ्यूचर उसका यूज किया जा सके। ठीक है, अब वही बात आएगी भाई इसके आगे दिया हुआ है कि आप कैसे उसको इसे कनेक्टर्स में कैसे उन वायर्स को यानी पिंस को कैसे डालते हैं और कैसे निकालते हैं, वो आपको फिगर में दिख रहा होगा। इस तरह से हम क्या करते हैं कि ये जो टूल्स होते हैं ये अलग अलग गेजेस के होता है, जैसे मैंने आपको बताया, इनसे हम क्या करते हैं इसे इंसर्ट करते हैं और फिर दूसरी तरफ से इसको बाहर भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आज हमने पढ़ी कैसे रिमूव करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं। बहुत ईजी होता है, बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप बुक में भी पढ़ेंगे तो आपको इजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, और बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, यानी कल देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और सभी तक पहुंचाइएगा, ताकि सब लोग इसका बेनिफिट उठा सके। थैंक यू।